बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम ग्लोबल उर्दू टीवी नीदरलैंड के प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर हैं। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि आज 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी का दिन है, और ये दिन ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, हर ममालिक के अंदर पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत भरपूर तरीके से मनाया जाता है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जी, पाकिस्तान एम्बेसी में, पाकिस्तान हाउस में, दी हेग में, नीदरलैंड से, और ग्लोबल उर्दू टीवी की टीम यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज और एक ये रिपोर्ट तैयार कर रही है कि पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से हर साल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम लोगों को जो पूरे नीदरलैंड के अंदर रहते हैं उनको यहाँ पे आने की दावत दी जाती है। ना सिर्फ एम्बेसडर साहब बल्कि पूरी जो टीम है पाकिस्तान एम्बेसी की, उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती है, क्योंकि प्रोग्राम सुबह के टाइम होता है और यहाँ पे भरपूर पाकिस्तानी नाश्ते का भी इंतज़ाम किया जाता है। और ग्लोबल उर्दू टीवी यहाँ पे आज उनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, जो कि हर साल मौजूद होती है, और आपके लिए ये शेयरिंग के तौर पे ये एक मैसेज और एक ये वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड की जा रही है। और एक छोटी सी बात आखिर में टेक्निकल मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बड़ी मुनफरिद, कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है, इसी तरह दुनिया के हर मुल्क के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी ये दिन को सेलिब्रेट भरपूर तरीके से करते हैं। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि मिली नगमे मिली तराने यहाँ पे चल रहे हैं, और इस तरीके से लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर ये जज्बा यौम आज़ादी का ये हमेशा से मौजूद रहता है, और इसके अंदर हमारी एम्बेसीज का बड़ा अच्छा रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم
जिंदाबाद। कश्मीरी जो हैं उनको कंटिन्यूसली उनका इस्तेहसाल हो रहा है और इसलिए हमने अभी 5 अगस्त को जो था वो हमने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पे मनाया। कश्मीरियों जो खुशाइन चीज़ है इस पिछले एक साल में वो ये है कि हमें नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये रियलाइजेशन पैदा हो रही है कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है। अगर आप रीसेंट जो इवेंट्स हैं उनमें देखें तो इस साल के अवाइल में यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें इस इशू पे डिबेट का इनकाद हुआ। उस पर जो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको एक पेपर सर्कुलेट हुआ जिसमें उन्होंने कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और जो केस है कश्मीर का वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को उस पर उन्होंने ब्रीफ किया। हमें ये दुख भी है कि कश्मीर में आज जो है लॉकडाउन। मुबारक हो, मुबारक योम आज़ादी हो तुमको, मिले शादमानी हकीकत में तुमको, लिया है ये मुल्क हमने देके कुर्बानी, हुई हम पे रब की बड़ी मेहरबानी, लहू इसमें शामिल है हर एक बशर का, मज़हब रंग व नस्ल कौम व शहर का, हर एक सांस है फकत तेरी अमानत, दुआ है रहे पाकिस्तान तो सलामत। हम आपकी खिदमत में चंद मेरी नगमे पेश करेंगे। आप तुमसे है इस ज़मीन
रब्बल आलमीन, आज इस यौम पाकिस्तान के मौका पे तेरी बारगाह में हम सब हाथ फैला के अपने मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम की भीख मांगते हैं। या रब्बल आलमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा, पाकिस्तान को तरक्की नसीब फरमा, पाकिस्तान को दाखली और खारजी फितनों से महफूज फरमा, पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त व नबूद फरमा। या रब्बल आलमीन, दुनिया जहान के मजलूमों की दस्तगीरी फरमा, ख़ास तौर पर कश्मीर के अंदर जो अरसा दराज से जुल्म व सितम का शिकार हैं। या रब्बल आलमीन, उन मजलूमों की दाद रसी फरमा।